नमस्कार दोस्तों, अभी मैं अखिल भारतीय पूर्वी क्षत्रिय महासभा में आप हमारे साथ हैं। जो नरेश चंद काठोले जी आई जनते हैं, जिस तरह से मिशन आई इसका उन्होंने जो शुरुआत किया है, इसमें काफी उन्हें सफलता भी मिली है और यहाँ पर छात्र उनसे लगातार मिल रहे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर कैसे वो तैयारी कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप जो तैयारी कराते हैं, काफी बच्चों में उत्साह आ गया है, आपसे मिलना लगातार चाह रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और हम बच्चों की जो आईएएस की तैयारी करते हैं जी, वो दूसरी क्लास से करते हैं, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं। हमने कैसे किया है कि समझो मिसाल के तौर पर सातवीं में इतने किताबें, तो हमने 500 पेज का अलग से किताब बनाया है। क्या बात, ये आईएएस में सातवीं क्लास के जो किताबें है उस पर कैसे सवाल जवाब आ सकते है। आमतौर पर टीचर जो सवाल जवाब पूछते है वो मामूली होते है, सादे होते है, लेकिन आईएएस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अलग ढंग से पूछे जाते हैं। तो वो किताब हमने जो बनाया है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं, ये किताबें हम बच्चों को फ्री में देते, उसके कोई पैसे नहीं लेते। आज महाराष्ट्र में ऐसे सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले 29,000 छात्र हमारे साथ में है, और जो सीनियर कॉलेज के जो छात्र है वो 61,000 छात्र है। स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए सर्कुलर निकाला है, बहुत सारे मिनिस्टर मेरा प्रोग्राम अरेंज करवाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम। मेरे पूरे भारतवर्ष में 15,000 प्रोग्राम हुए हैं। मैं किसी भी प्रकार का रेमुनेशन TA DA नहीं लेता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे ने यदि रोजाना अखबार पढ़ा और एक्टिविटीज में हिस्सा लेकर अपना व्यक्तिमत्व तत्पर तेजस्वी और तपस्वी बनाया, तो बच्चा भला ही कलेक्टर नहीं बनेगा, डिप्टी कलेक्टर बनेगा, तहसीलदार बनेगा, कोई ना कोई पद हासिल करेगा या किसी भी क्षेत्र में जाएगा वो सफल बनेगा। हम बच्चों को अच्छा भाषण देना सिखाते हैं, अच्छा एक्टिविटीज में भाग लेना सिखाते हैं, अच्छा गाना सिखाते हैं, अच्छा उस पर संस्कार करते हैं। तो आप मुंबई में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं नागपुर में रहता हूँ। नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी है, लेकिन मैं महीने में 22 दिन भारत वर्ष में मिशन आईएएस के प्रचार के लिए प्रसार के लिए घूमते रहता हूँ। किसी प्रकार का TA DA किसी प्रकार का रहन सहन का हम परवाह नहीं करते। कि मेरा एक ही कहना है कि ढलते हुए सूरज ने इस दुनिया से प्रश्न किया कि मेरे बाद मेरा काम कौन करेगा। रविंद्रनाथ टैगोर साहब की कविता है, गीतांजलि में है, नोबेल पारितोषिक मिला है, कि ढलते हुए सूरज ने इस दुनिया से प्रश्न किया मेरा काम मेरे बाद कौन करेगा। किसने भी जवाब नहीं दिया, हैलोजन ने जवाब नहीं दिया, ट्यूबलाइट ने जवाब नहीं दिया, एक दिया सलाई बोली कि मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। और मुझे मालूम है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और मुझे ये भी मालूम है कि मैं जो काम कर रहा हूँ अभी तो दुनिया को तो अभी मालूम नहीं है, लेकिन जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वह हर काम अलग ढंग से करते हैं। और इस भारतवर्ष में यदि इस देश के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण गवाए हैं, शहीद हो गए हैं, लहू बहाया है, और उन्होंने ये देश आपके जिम्मे छोड़ा है, तो इस देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो IAS अफसर ही चलाता है। उसके लिए अच्छा IAS अफसर, IPS अफसर, IAS अफसर करने का हमारा ये प्रयास है, और इसमें हम काफी मात्रा में सफल हो रहे हैं और होंगे, ऐसा मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। जी हाँ बिल्कुल, आज से करीब 10-20 साल पहले जब अखिल भारतीय पूर्वी महासभा पटना में हुआ था तो यह बात उठाई गई थी, जो आप काम कर रहे हैं अच्छी बात, इस ओर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए और वो मिशन पूरा होता दिख रहा है। शायद जो उठाए थे उनको मालूम भी नहीं होगा। हाँ, वो अरविंद सिन्हा थे, अभी पटना हाईकोर्ट में हैं। हाँ, और बड़े पोस्ट पर हैं, अब रिटायर होने वाले। हाँ, लेकिन हम आपकी बातों को वहाँ जरूर पहुँचाएंगे। लेकिन कटोरे साहब, कितना कुछ सफलता मिला है आपको अभी तक इस कार्य करने में? हाँ, तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, जो भी छात्र है, जो भी पालक है, जो भी टीचर्स है, मेरा नंबर है 9890967003। नंबर एक बार फिर दोहराता हूँ, 9890967003। और
मेरी जो YouTube पर और Google पर जो जानकारी है वो मिशन IAS अमरावती के नाम से है, मिशन IAS अमरावती। जी जी, जो ये काम हमने प्रारंभ किया है इसमें हमको 90% अभी तक सफलता प्राप्त हुई। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनका हम खाने का प्रबंध फ्री में करते हैं, रहने का प्रबंध फ्री में करते हैं, और कोई बच्चा यदि काम करना चाहता है तो उसको हम पार्ट टाइम जॉब देते हैं। हमारे 3-स्टार होटल से हमारी दुकान है, हमारे टॉकीज है, और अच्छा बच्चा रहा तो अफसर लोगों के यहाँ पढ़ाने जाता है, तो हम कम से कम 8,000 रुपये महीना खाना खाकर उसका रहने का प्रबंध और उसका कोचिंग टोटली फ्री है, उसके लिए 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता है बच्चों। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते क्या कुछ कहेंगे युवाओं से, आप क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, जो युवा है वो युवा ने हर काम, अभी मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ लेकिन मैं हर काम तत्परता से करता हूँ, तेजस्विता से करता हूँ और तपस्विता से करता हूँ, और छोटा मोटा भी काम मैं कर लेता हूँ। आज के जो बच्चे हैं वो एकदम बड़ा काम करना चाहते हैं, मैं बोलता हूँ कि किसी भी काम की शुरुआत छोटे काम से की तो आदमी बड़ा हो जाता है। आपने मेरा साक्षात कर लिया, उसके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, तो ये था हमारे साथ कोटले साहब, जो खास तौर से बता रहे थे कि जिस प्रकार से तत्परता के साथ आज भी कोई भी काम करने के लिए वो काफी उत्साहित रहते हैं, और यही कारण है सफलता का मूल मंत्र। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ऐसे और लगातार खबर दिखाते रहेंगे। नमस्कार, थैंक यू सर, नमस्ते। थैंक यू सर।